विशेष मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर, ये कैसी नहर है जो दो बड़े छोटे भाई बहनों को कहे जाने वाले राज्य के लिए विवाद बन चुकी है। हरियाणा जो अपने हिस्से का पानी लेने के लिए सर तक झुकाने को तैयार है, तो दूसरी तरफ पंजाब एसवाईएल पर खून खराबे पर उतारू है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब पंजाब को खरारा झटका लग गया है, जिसके बाद अब उम्मीद है कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिल जाएगा। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हरियाणा को बड़ी राहत तो दे दी, लेकिन पंजाब को बड़ा झटका दे दिया है। एसवाईएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए ये कहा कि एसवाईएल पर जल एग्रीमेंट तोड़ने का अधिकार पंजाब को कतई नहीं है, पंजाब अपने हिस्से में नहर बनाए। देखिए खास रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे। आखिर जिस फैसले पर पंजाब हरियाणा सरकार के साथ दोनों प्रदेशों की जनता की निगाहें टिकी थी, वो फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संवैधानिक कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना दिया है। इस फैसले से पंजाब को कड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया है। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया। हरियाणा को पानी मिलेगा, एग्रीमेंट तोड़ने का अधिकार पंजाब को नहीं है। पंजाब ने जो किया वो ठीक नहीं, एग्रीमेंट तोड़ना पंजाब का गलत फैसला। नहर पर निर्माण कार्य जारी रहेगा, पंजाब अपने बचे हुए हिस्से में नहर बनाए। जो वाटर डिस्प्यूट था हरियाणा और पंजाब के बीच में, वो उस केस का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया है। क्या क्या कोर्ट में आज कहा गया? कोर्ट में आज कहा, ये तो शॉर्ट कोर्ट में जो जजमेंट प्रोनाउंस होता है वो बड़ा शॉर्ट होता है, 1-2 लाइन का जजमेंट प्रोनाउंस होता है। ऑपरेटिव पार्ट ये है कि हरियाणा को पानी मिलेगा, और जो जो उन्होंने एग्रीमेंट को यूनिलेटरली जो तोड़ा था, वो एग्रीमेंट तोड़ने का राइट पंजाब को नहीं है। कैनाल की सेक्शन में क्या बोला सर? घुमा लो भाई साहब, घुमा लो। ये तो ऑलरेडी पहले से ओरिजिनल शूट डिसाइडेड था हरियाणा के फेवर में, मगर उस शूट के अगेंस्ट इन्होंने एक एक्ट लेके आए थे ये अपने विधानसभा में, और वो पास करके एग्रीमेंट को यूनिलेटरली तोड़ दिया था। अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेजिडेंशियल रेफरेंस था उसमें बताया है कि ये ऐसे ठीक नहीं था, पंजाब ने जो किया वो ठीक नहीं किया। नहीं सर, पिछली बार जो फैसला दिया था उसके तहत नहर की कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आदेश दिया था पंजाब सरकार को, उस पर आज क्या बोला? वो डिटेल्ड ऑर्डर आएगा बाद में, अभी सिर्फ इतना बताया है कि जितने के जो पंजाब सरकार का फैसला था यूनिलेटरल ब्रेक करने का, जो एग्रीमेंट था हरियाणा पंजाब के बीच में, वो गलत फैसला था पंजाब सरकार का। अभी एक लाइन का जजमेंट ऐसा ही बोला है, इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि नहर का पानी हरियाणा के वासियों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पंजाब को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल पर एग्रीमेंट रद्द करने पर साफ शब्दों में कहा है कि पंजाब को एग्रीमेंट तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पंजाब और हरियाणा के बीच तनाव बढ़ने के आसार है, क्योंकि इस फैसले से पहले पंजाब के डिप्टी सीएम ने हरियाणा को धमकी भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो, हरियाणा को एसवाईएल से एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का बयान, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा मैं नहीं मानूंगा, हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देगा पंजाब। कुछ मर्जी कर ले, पानी यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ लाखों लोग अपनी जान देने को कुर्बान दे देंगे, हमारे काली कार्डर जो लाखों का कार्डर है वो कुछ भी कुर्बानी देने के तो तैयार है, पर पानी एक बूंद नहीं जाएगी। सुखबीर सिंह बादल से पहले पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली की मौजूदगी में कुछ इसी तरह की धमकी हरियाणा को दे चुके हैं। एसवाईएल पर एक तरफ पंजाब है जो कि मामले में किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो दूसरी ओर हरियाणा अपने हक के लिए सर तक झुकने को तैयार है, लेकिन अपने हक का पानी छोड़ने को तैयार हरियाणा कतई नहीं है।
एसवाईएल पर कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ अमरिंदर सिंह ही नहीं बल्कि पंजाब कांग्रेस के सभी विधायक भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस विधायकों के एक साथ इस्तीफे के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है, लेकिन देखना ये होगा कि अब इस फैसले के बाद पंजाब के साथ हरियाणा का रवैया क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सतलुज पर संग्राम तो जारी है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार क्या पंजाब अपने इसी रुख पर अडिग रहेगा, इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान को जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आरएन मलिक जी हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आरएन मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी हैं बीजेपी से, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ कांग्रेस से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनीता जी, पहला सवाल आपसे, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी जी। सुनीता जी, फैसला हरियाणा के पक्ष में आया है, लेकिन पंजाब का ये रुख कि एक बूंद पानी नहीं देने दिया जाएगा, ये किस तरह का रुख? दोनों राज्यों के बीच में क्या नया विवाद पैदा हो जाएगा? नहीं देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसका जो डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होना चाहिए और वो हम सबको स्वीकार होना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह की आपने अभी उनकी बयान सुनाया है हमें, तो मुझे लगता है कि वो शायद ये भूल गए हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े थ्रेटनिंग के तौर पे ये कहा है कि हमारी बहुत बड़ी जो है वो हमारा कैडर है अकाली दल का। तो देखिए, मुझे लगता है कि शायद वो इस बात को भूल गए हैं कि जो अकाली जो है और जो हमारा सिख धर्म जो है, हम गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी शिक्षा यही थी कि सबको साथ लेकर चलो। और वो तो लोगों के लिए कुर्बानी देने वाले थे कि किसी को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, वो तो इतने निस्वार्थ भाव से काम करने वाले थे। तो जिससे जिस बात को लेकर ये नींव रखी गई थी सिख धर्म की और अकाल तख्त की, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की बात करना, खुद उनको, उन लोगों को शर्मसार करना, वो बहुत आज उनको इन चीजों को सुनकर बहुत उनको तकलीफ हो रही होगी। ठीक, ये अपने ही देश में, अपने ही एक जो पड़ोसी राज्य है उसके लोगों को अगर पानी चला जाए उसके लिए इस तरह की बातें करना। देखिए, हमारे पास बहुत बड़ा जो है वो सीमा है, लेकिन सीमा पर जाकर सुनीता अपना, जी, अपना जोर अजमाइश करना चाहिए। दोनों स्टेट की में बात करना ये बहुत ही जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन सुनीता जी, इसमें दोनों स्टेट में बीजेपी का रवैया अलग अलग, हरियाणा में कुछ और पंजाब में कुछ और, इस पर भी आपसे चर्चा करूंगी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हुड्डा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार जी, सुन रहा हूँ जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, अब बात फैसले की आ चुकी है, फैसला भी आ चुका है हरियाणा के हक में, लेकिन अगर हम पंजाब कांग्रेस की बात करें, वहां पर तो इस्तीफा तक दे दिया है सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। अब यहाँ तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर इस तरह की बातें, ये दो तरफा चीज है क्यों? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होगा, उनके लोग विरोध करेंगे इसका। प्रदेश के हक के लिए सभी लड़ रहे हैं और पंजाब के जो कांग्रेस के विधायकों ने किया वो बिल्कुल गलत किया है। हरियाणा को कोर्ट से न्याय मिला है और यानी कि आप मानते हैं कि जो पंजाब में कांग्रेस ने किया वो गलत किया है? बिल्कुल गलत किया। ठीक, इनेलो के पास चलते प्रतिक्रिया लेने के लिए। अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ। अरविंद जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अरविंद जी, 2004 में फैसला रिजर्व, उसके बाद आज फैसला आ जाता है, लेकिन जिस तरह से पंजाब का रवैया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, हम संशोधन करने के लिए तैयार है, हम अलग अलग तरीके निकालेंगे लेकिन हरियाणा को पानी नहीं देने देंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई थी और हरियाणा के हिस्से का पानी दिलाने का जो अभियान चलाया था सरकार ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हिस्से का जो पानी उसे हरियाणा को दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं बधाई दूंगा हरियाणा प्रदेश की जनता को। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं चाहते थे कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले, ये इसे उलझाए रखना चाहते थे। कल जब हरियाणा इसकी भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में जो अलायंस की सरकार है उसने वहां पर जो नहर का काम था उसे रुकवा दिया और उसे पाटने का काम किया, उसके विपरीत यहाँ खट्टर साहब बोलते हैं हरियाणा को पानी मिलेगा। दोनों जगह आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, फिर भी आप नहीं चाहते थे। दूसरी ओर कांग्रेस, अमरिंदर सिंह जी ने खुद ही
जब वो मुख्यमंत्री थे, ये बिल लाकर जो पुरानी जो जल संधियां थी वो सब खत्म कर दी थी। आज ये हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस यहाँ एक ये ढिंडोरा पीट रही है कि हरियाणा को पानी दिलाना चाहते थे। तो इनकी जो दोनों की सच्चाई है वो भी जनता के सामने आई है, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, हम इसका स्वागत करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि हरियाणा के हितों की जो लड़ाई जो कई दशकों से लड़ी जा रही थी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाकर हरियाणा के हितों की रक्षा की है और हरियाणा के लोगों को उनके हक का पानी दिया। ठीक, आरएन मलिक जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ, आपके पास मैं यहाँ मलिक जी आना चाहूंगी, कैसे देखते हैं आप इसको, पूरी सियासत इसको लेकर हो रही है, उधर प्रदेश कांग्रेस कुछ और कहती है, यहाँ पर कुछ और करती है, साथ ही ये कहा जाता है कि चाहे कोई भी फैसला है लेकिन हम पानी नहीं देंगे। ये लंबी कहानी है। 2004 में प्रेसिडेंट रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन देने के लिए 12 साल लगाए, जबकि ये एक या दो साल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। अब सवाल ये है कि हु शुड जज द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट को कौन कहे कि जी आपने 12 साल क्यों लिए, और कोई डिपार्टमेंट तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या क्या उसके ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास कर दे कि भाई आप इतने साल क्यों ले रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को 12 साल नहीं लेने चाहिए थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल जजेस एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। चलो अब वो हो गया। अब ये तीनों पार्टियों प्रवक्ता है, सुखबीर बादल ने कह दिया हमारे हम तो जान दे देंगे, खून बहा देंगे, पानी नहीं देंगे। इस बात के ऊपर तीनों पार्टियों में से कोई नहीं बोला कि भाई वो कह रहे हमने नहीं देंगे, आप यूं खुश हो रहे हो हमारे हक में फैसला आ गया। सवाल ये है अब इस फैसला आने के बाद पंजाब से पानी निकाल के कैसे लाओगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो एक बात कही थी, आगे हम तो उसका जो पंजाब की गाड़ी आएंगे उनको बंद कर देंगे, क्या कृष्ण मूर्ति जी हुड्डा बताएंगे वो करेंगे गाड़ियां बंद। अच्छा आप पार्टी है वहां जाके केजरीवाल जी कहते हैं पर इसमें हरियाणा कोई हक नहीं, अब यहाँ की जो हरियाणा की आप पार्टी है वो क्या कहेगी। और उस दिन जब सुखबीर बादल ने कहा था हम हरियाणा को एक ड्रॉप पानी नहीं देंगे, उस दिन जेटली और अमित शाह वहीं खड़े थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी ये क्या बात करें, दोनों स्टेट का आपस में मामला है। मलिक जी यानी कि देखिए राजनीति है इसमें पूरी पूरी वही बात होगी, इसलिए हमारी पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का एक ही काम है ब्लेम गेम, वो उसको ब्लेम कर दोनों मापदंड आप अपना रहे हैं दोनों जगह पर। एक सेकंड एक वक्त जब ये 17 एकड़ का प्लॉट बादल साहब को दिया था हरियाणा में, और जब HSIDC ने उसको रिज्यूम कर लिया था कि उन्होंने किस्त पे नहीं की, चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, तो बादल साहब ने वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी जी से फोन करवाया चौधरी बंसीलाल, वो यार ज्यादा जिद मत लगाओ इस प्लॉट को रिलीज कर दो। चौधरी बंसीलाल ने कहा कि बादल से कह दो SYL पानी दे दे, प्लॉट रिलीज कर देंगे, उसने नहीं किया। इन द मीन टाइम चौधरी बंसीलाल सरकार गिर गई, लोकदली सरकार आ गई, सुप्रीम कोर्ट में उस केस को बिल्कुल कंटेस्ट नहीं किया, और बादल को चला गया प्लॉट 17 एकड़ गुड़गांव जो 2000 करोड़ का होगा। और चौधरी बंसी लोकदल के और बादल के इतने घनिष्ठ संबंध, पूरे दोस्ताना संबंध है, कभी एक दूसरे क्यों नहीं कहते भाई हम पानी के ऊपर क्यों लड़े, क्यों नहीं आपस में बैठ के एक समझौता निकाल लें। इसी तरह सोनिया गांधी जी है, पंजाब के अमरिंदर को भी बुलाए, हरियाणा वालों को भी बुलाए, और दोनों का नहीं भी समझौता करना है, थोड़े से तुम झुक जाओ थोड़े से तुम झुक जाओ और इसको समझौता कीजिए। अब भी प्राइम मिनिस्टर चाहे तो ये दोनों पार्टियों बुला के, सोनिया गांधी जी और प्राइम मिनिस्टर दोनों नरेंद्र मोदी जी बैठ के दोनों पार्टियों बुला ले और कह देंगे भाई हरियाणा 3.5 मिलियन एकड़ फीट बनता है, 1.7 उनको ऑलरेडी मिल रहा है, 1.8 है। ये इसका बढ़िया फैसला होगा कि जब तक किसाऊ डैम बनती है, लखवार डैम बनती है, तब तक ये पानी दे दो, उसके बाद फिर हरियाणा को इस पानी की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब तक 10-12 साल की बात है। ठीक है मलिक, तो बैठ के एक फैसला अब भी निकल सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो। हाँ, यानी कि अगर आप हस्तक्षेप करेंगे, आपको अगर आगे आना पड़ेगा तो इस समझौते को लेकर जो इतनी पेचीदगियां लंबे वक्त से चली आ रही हैं उसका समाधान जरूर निकल पाएगा, लेकिन पंजाब से पानी लाएंगे कैसे, बड़ा सवाल बना हुआ। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं मलिक जी, आऊंगी आपके पास, मलिक जी आऊंगी आपके पास, छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसके बाद पंजाब सरकार का रुख क्या रहने वाला है। हेलो जी, हो जाए, थैंक यू।
चाय, पता का चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ के हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक ही पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक काल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन, यहां आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक झज्जर रोड बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए, एराबॉल लुब्रिकेंट्स इंजन में भर दे दम। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है, इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT. लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर खुशी अभी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। स्वागत है आप सभी का। सतलुज पर संग्राम क्या आगे भी जारी रहेगा, इसी को लेकर खास चर्चा आज हम कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सुनीता जी आप हैं हमारे साथ? सुनीता दुग्गल जी सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ जी हाँ जी। सुनीता जी, सरकार पीठ थपथपा रही है अपना, लेकिन सवाल मेरा यह है आपसे कि आप पंजाब से पानी को लेकर कैसे आएंगे? पंजाब तो अपने अड़ियल रवैये पर अडिग है, आखिरकार आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरह से वहां से पानी को लेकर आ पाएंगे? देखिए, बहुत से ऐसे मामले थे जो कई सालों साल से कांग्रेस की सरकार में अटके पड़े थे, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक करके, चाहे वो असम की सीमा का मामला हो, चाहे ORP का मामला हो, कोई भी मामला क्यों ना हो, एक एक करके उन्होंने सभी सॉल्यूशन निकाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि हमारे केंद्र की सरकार जो है वो इंटरफियर करके बीच में और इसका समाधान निकालेगी और हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी जरूर मिलेगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय जो है उनका फैसला भी जब हमारे हक में आया है तो मुझे लगता है कि केंद्र जो है इसमें हस्तक्षेप करने के बाद जो है इसका समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन सुनीता जी, ये वही केंद्रीय मंत्री है, चाहे अमित शाह की बात कर लें, अरुण जेटली की, जो कि रैली में मौजूद रहते हैं, और तब प्रकाश सिंह बादल कहते हैं कि हरियाणा को हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। कैसे उम्मीद की जाए कि केंद्र इसको लेकर सपोर्ट में रहेगा हरियाणा के? देखिए, ऐसा है कि तब तक जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो है वो फैसला नहीं आया था, ऐसे उसमें कोई भी टिप्पणी करना उनके लिए मुनासिब नहीं था, क्योंकि वो केंद्र में जो है केंद्र के मंत्री हैं माननीय जेटली जी, और उसके बाद पूरे भारत का उनके ऊपर जो है कार्यभार जो है वो संभाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक कि न्यायालय का कोई ना कोई जो है आदेश ना आ जाए, तब तक कोई भी टिप्पणी करना एक जो नेशनल लेवल के लीडर है, मुझे लगता है कि वो उन्होंने उनको ठीक लगा और उन्होंने वही किया। ठीक, यानी कि जो है केंद्र से आपको उम्मीदें हैं कि वो हस्तक्षेप करेगा। मलिक जी, आपके पास आना चाहूंगी, बताइए। मैं बोलूं जी? देखिए, ये बादल साहब और अमरिंदर साहब के पानी नहीं देंगे, इसका मतलब दे हैव नो फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट, सो दे आर वायलेटिंग देयर ओथ ऑफ ऑफिस। जो एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो ओथ लेते हैं कि मैं भारतीय संविधान में पूरी निष्ठा रखता हूँ, ये उसको वायलेट कर रहे हैं, उससे मुकर रहे हैं। अगर वो मुकर रहे हैं तो उनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फेथ है, उन्होंने क्लियर कर दिया। इसलिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इनको इलेक्शन ना लड़ने दे, बिकॉज दे डोंट हैव फेथ इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात के जैसे मैंने पहले बताया कि इसका हल, इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई ना बनने दे, पर क्योंकि ये एक इलेक्शन का मुद्दा है, सिर पे इलेक्शन है। अब ऐसे मुद्दे पर दोनों में काफी कंपटीशन होगा, कांग्रेस पार्टी में भी और बादल सरकार में भी। वो कहेगा हम पानी नहीं देंगे, वो कहेगा हम नहीं देंगे, उसमें पता है जिसने पानी के लिए हाँ भर दी उसको लोग शायद वो एक्सप्लॉइट करेंगे, वो हार जाएंगे। तो इसका ये ऐसे फैसले जब कावेरी और कावेरी के ऊपर बंटवारा किया था सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ दिन पहले, बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, शुरू में तो कर्नाटका चीखी थी, जिस तरह भी ये पंजाब के नेता चीख रहे ऐसे चीखे थे हम भी इस्तीफा देंगे, लेकिन वो किसी तरह से मान गए। तो ये जब तक इनके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं डाला जाएगा, जैसे पंजाब में भूपिंदर हुड्डा जी ने कहा था गाड़ियां रोक दो, इस तरह जब तक सारे पंजाबी गाड़ियां ना रोके, बादल साहब की बस आती नहीं, इनको रोक दो, बादल साहब दो मिनट में अपना 10 बार सोचेंगे पानी देंगे ना दे। ठीक ठीक, चलिए, आपने तो बता दिया कि किस तरह से प्रेशर किया जा सकता है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हुड्डा जी, जुड़े हुए हैं आप? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सुन पा रहे हैं? फैसले सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन में नहीं देने चाहिए, बिल्कुल इलेक्शन से परो। कृष्णमूर्ति जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ जी। हाँ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, किस तरह से प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि अब सवाल ये है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, लेकिन जब पंजाब मानने को तैयार नहीं तो कैसे उस पानी को लेकर आया जा सकता है? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बड़े न्यायप्रिय हैं, प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर फैसला कराएंगे। उनको कौन है प्रधानमंत्री बयान दे कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और वो हरियाणा के साथ न्याय करेंगे? सोनिया जी से अभी तक कहलवाओ ये बात, दोनों जब तक नहीं बैठ, सोनिया गांधी आज पावर में नहीं है, सोनिया जी पावर में उनसे बात करो ना, फैसला नहीं होगा, जो पावर में उनसे बात करो ना। सोनिया जी दबाव दे, सोनिया जी दबाव दे, कैप्टन अमरिंदर नहीं है पंजाब में, जिस तरह से कांग्रेस बार बार हावी हो रही है उसको लेकर तो कृष्णमूर्ति जी सोनिया को लेकर तो जवाब देना पड़ेगा उनको भी। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है वो। ठीक है, प्रदेश कांग्रेस ये कह रही है कि जो पंजाब में कांग्रेस कर रही है वो गलत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का फोन लाइन पर जो हमारे साथ जुड़े थे। मलिक जी, फाइनल कमेंट्स आपसे चाहेंगे। अब बीजेपी स्ट्रेटजी तो बता रही है कि केंद्र पर जवाबदेही है, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी, लेकिन वाकई में आपको लगता है कैसे कर पाएगी? पंजाब में आने वाले दिनों में इलेक्शन है विधानसभा के, उसको लेकर प्रेशराइज दोनों ही तरफ से है। देखिए, प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी दोनों एक मीटिंग बुलाए पंजाब के सब पार्टी के लीडर्स की, पहला फैसला दिया कभी इलेक्शन तक कोई इस मुद्दे के ऊपर ना बोले, कांग्रेस वाले भी ना बोले, बीजेपी वाले भी ना बोले, आप पार्टी वाले भी ना बोले और वो अकाली दल वाले ना बोले। उसके बाद एक फैसला ये हो सकता है कि अगर हरियाणा में किसाऊ डैम, लखवार डैम और रेणुका डैम बन जाए, अगर ये डैम तीनों बन जाती है तो फिर हरियाणा को पंजाब के पानी की जरूरत नहीं है, उनको ये कह दिया जाए भाई जब तक ये डैम बनती तब तक पानी दे दो। उसके लिए पंजाब को भी मान लेनी चाहिए ये बात। ठीक,
ये बात अगर दोनों हाँ। लेकिन ये जब होगा जो सोनिया जी और प्रधानमंत्री जी दोनों बुलाएंगे, सोनिया जी दबाव देंगे अमरिंदर सिंह पे, प्रधानमंत्री दबाव देंगे बादल पर, और लोक दल की क्योंकि बादल साहब घनिष्ठ मित्रता है अकाली दल के कैंडिडेट या लोक दल के साथ खड़े होते हैं, ये उनके ऊपर दबाव दे कि भाई हमारे इतने अच्छे रिलेशन आप मानो, ये सबकी मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए तो ये फैसला हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इलेक्शन से पहले इसको मुद्दे को ना छेड़े, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन में कोई पार्टी मानने को तैयार नहीं हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आरन मलिक जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम पहलुओं पर हमने नजर बनाई। तो अब किस तरह से पंजाब का रुख रहेगा, खुद क्या पंजाब सरकार कहेगी और हरियाणा सरकार आखिरकार कैसे दबाव बना पाएगी, इस पर लगातार निगाहें बनी हुई है। फिलहाल विशेष में इतना ही, नमस्कार।